इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है गुबई और रोंग रोंग दोनों ही लिविंग रूम में साथ में बैठे होते हैं। फिर गुबई रोंग रोंग से 5 साल पहले वाले इंसिडेंट के बारे में बात करता है और उसे सजेस्ट करता है कि अब हमें एक फ्रिज खरीदना चाहिए ताकि रोंग रोंग के अंदर जो ये डर बैठा है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो रोंग रोंग कहती है कि ठीक है, पर तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना पड़ेगा। फिर गुबई यहाँ पे मन ही मन में डिसाइड कर लेता है कि वो 5 साल पहले वाले इंसिडेंट को खुद से इन्वेस्टिगेट करेगा। फिर इसी सिलसिले में वो अगले दिन सेक्रेटरी से मिलने जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि रोंग रोंग इंसिडेंट वाले दिन शांगशांग हाई स्कूल गई थी और स्कूल में शिचेन भी एक टीचर था। तो गुबई उससे उस दिन की तारीख पूछता है जो कि होती है 30 नवंबर। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की सारी बातें शिचेन का सेक्रेटरी सुन रहा होता है छुपकर, और फिर वो ये सारी बातें जाके शिचेन को बता देता है। तो यहाँ पे शिचेन बिल्कुल ही काम होके उससे कहता है कि उसे करने दो, वो जो भी कर रहा है उससे हमें क्या। पर उसका सेक्रेटरी काफी डरा हुआ होता है और वो कहता है कि अगर उन्हें कुछ पता चल गया तो सिचन यहाँ पे कहता है कि सोचो क्या होगा अगर उन्हें इस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि रोंग रोंग के साथ हुए उस एक्सीडेंट के पीछे गुबई का ही हाथ था। और इन लोगों की बात सुन के हमें यहाँ पे साफ साफ समझ में आ जाता है कि रोंग रोंग के साथ हुए 5 साल पहले इंसिडेंट में सिचन का कुछ ना कुछ हाथ जरूर है। फिर यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एक प्रोजेक्ट को लेके गुबई का डिजाइन ड्राफ्ट सिचन जमा नहीं करता है क्योंकि वो आधा घंटा लेट होता है, और इस बात को लेके गुबई को काफी गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच में बहस भी होती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि रोंग रोंग अपनी रिंग घर पे भूल जाती है और वो गुबई को ढूंढने के लिए कहती है, जो कि गुबई को रोंग रोंग के रूम में टेबल पे रखी हुई मिल जाती है। फिर यहाँ पे गुबई दोबारा से रोंग रोंग की उसी फोटो को देखता है और उसे कुछ याद आने लगता है, उसे फिर से कुछ पास्ट के फ्लैशेस याद आते हैं। तो फिर वो उस फोटो को उस फ्रेम से निकाल के देखता है और वो देखता है कि उस फोटो के पीछे उसी की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ है। गुबई को ये देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और तभी वहाँ पे रोंग रोंग पहुंच जाती है। तो वो रोंग रोंग से पूछता है कि तुम्हारे लिए फोटो किसने क्लिक की थी। तो रोंग रोंग उसे बताती है कि मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है, पर शायद ये एक लड़के ने मुझे क्लिक करके दी थी जो कि एक हाई स्कूलर था। वहीं दूसरी ओर हमें शिचेन को दिखाया जाता है जो कि जिंग जिंग को अब थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा था। फिर वो जिंग जिंग के पास जाके बैठता है और उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। वो यहाँ पे उसे ये भी बता देता है कि वो पहले रोंग रोंग का क्लासमेट था और उसे प्यार करता था, पर फिर एक दिन पता चला कि उसके मॉम ने रोंग रोंग के डैड से शादी कर ली है। और ये सुन के उसे ऐसा लगा जैसे कि उसकी दुनिया ही उजड़ और ये सुन के उसे ऐसा लगा मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। अब ये सब हकीकत जानने के बाद जिंग जिंग को शिचेन को लेके काफी ज्यादा बुरा फील होता है। फाइनली ये सारी बातें बताने के बाद शिचेन को अब काफी हल्का महसूस हो रहा था और फिर वो खुद ही जिंग जिंग से कहता है कि आज के बाद वो जिंग जिंग को कभी भी नहीं मिलेगा और ना ही उसे डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पे जिंग जिंग उसे रोकने की कोशिश करती है पर शिचेन उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। फिर इतने में ही जिंग जिंग के पास गुबई का फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाता है। फिर जिंग जिंग गुबई से मिलने जाते हैं जहाँ पे वो उसे पूछता है 5 साल पहले उसके घर छोड़ने के बाद क्या क्या हुआ था। तो जिंग जिंग उसे बताती है कि 5 साल पहले उस दिन तुम्हारा दोनों भाइयों से झगड़ा हुआ था और तुम घर छोड़कर स्कूल चले गए थे और वहां पे भी तुम्हारा एक टीचर के साथ झगड़ा हो गया था। गुबई उसे रोंग रोंग की फोटो वाली जगह लेके जाता है जहां वो जिंग जिंग को बताता है कि 5 साल पहले वो रोंग रोंग से मिल चुका था और उसने रोंग रोंग के लिए ये फोटो खींची थी और इस फोटो के पीछे मैंने ही लिखा था कि इस आइसक्रीम के लिए वो उसे पे बैक करेगा। पर जिंग जिंग को उसकी बात पे यकीन ही नहीं होता है और वो वहां से जाने लगती है। तो फिर वो जिंग जिंग को जाने से रोकता है और उसे पूछता है कि उस दिन का डेट बस मुझे बता दी जाओ, जिसपे जिंग जिंग उसे बताती है कि उस दिन की तारीख 30 नवंबर थी। तो गुबई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि मैं इसी जगह पे रोंग रोंग से 5 साल पहले मिल चुका था और उसके लिए फोटो भी खींची थी। फिर गुबई वो फोटो लेके एक्साइटमेंट में ऑफिस पहुंचता है और वो सबके सामने रोंग रोंग को किस करता है। इससे रोंग रोंग भी एकदम शॉक्ड रह जाती है, फिर पूरा स्टाफ वहां से शर्मा के चला जाता है। फिर यहाँ पे गुबई काफी खुश होकर रोंग रोंग को बताता है कि हम 5 साल पहले मिल चुके हैं और ये फोटो मैंने ही तुम्हारे लिए खींची थी और मुझे तुम्हें पहली बार देख के ही लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। अब ये सब कुछ रोंग रोंग प्रोसेस ही नहीं कर पाती है, पर तभी वहाँ पे शिचन आ जाता है और रोंग रोंग को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बुला लेता है। पर गुबई यहाँ पे उसे 5 मिनट रुकने के लिए कहता है, पर रोंग रोंग उससे कहती है कि ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। फिर रोंग रोंग वहां से चली जाती है और जैसे ही वो मीटिंग रूम में पहुंचती है तो वहां पे कोई भी नहीं होता है और शिचन उसे बताता है कि उसने मीटिंग को 30 मिनट डिले कर दिया है और यहाँ पे वो आज उसे एक काफी ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता है।
और यहाँ पे वो रॉन्ग रॉन्ग को फाइनली बताता है कि 5 साल पहले तुम्हारे साथ जो फ्रिजर ट्रक वाला एक्सीडेंट हुआ था वो किसी और ने नहीं बल्कि इंटेंशनली गुबई ने करा था। तो यहाँ पे कॉमन सी बात है कि रॉन्ग रॉन्ग को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता है। तो शिचेन प्रूफ के तौर पे उसे कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें गुबई रॉन्ग रॉन्ग का पीछा करते हुए दिखता है। और फिर शिचेन उसे बताता है कि उस दिन तुम्हारा पहला काम था गुबई की मॉम की कंपनी को टेक ओवर करना, और जब वो शिचेन से मिलने के लिए स्कूल आई थी तब वो गुबई से भी स्कूल में टकराई थी, और तभी से गुबई उसका पीछा कर रहा था क्योंकि वो उस दिन शिचेन से बात करने के लिए आई थी उसकी मॉम और अपने डैड की शादी रोकने के लिए। फिर उसके स्कूल से निकलने के बाद गुबई ने उसे फॉलो किया और उसे फ्रिजर ट्रक में बंद कर दिया क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता था अपने मॉम की बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए। इधर गुबई काफी खुश होकर रोंग रोंग के बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है। फिर जैसे ही रोंग रोंग बाहर आती है तो गुबई उसे काफी एक्साइटमेंट के साथ बताने लगता है कि वो 5 साल पहले भी मिल चुके हैं और ये फोटो उसी ने रोंग रोंग के लिए क्लिक की थी, और रोंग रोंग ने उसे एक आइसक्रीम भी खिलाई थी जिसके लिए उसने कहा था कि वो उसे जल्द ही पे बैक करेगा। फिर वो बार बार रोंग रोंग से पूछने लग जाता है कि उसकी बात क्या हुआ था, तो रोंग रोंग उसे कहती है कि हमें पहले डिनर कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे काफी भूख लग रही है। पर गुबई काफी खुश होकर उसी के बारे में बार बार बात कर रहा होता है, तो रोंग रोंग उसे कहती है कि क्या प्लीज तुम उस बारे में बात करना बंद करोगे, मुझे उस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। तो गुबई उसे कहता है कि मैंने सोचा कि तुम भी खुश होगी ये बात जानने के बाद। इसके रिप्लाई में रोंग रोंग उसे कहती है कि एक्चुअली मैं काफी ज्यादा बिजी थी सारे दिन मीटिंग को लेके, इसलिए बस मैं तुम पे चिल्ला पड़ी। फिर वो वहां से जाने लगती है ये कह के कि उसे अभी भी कुछ काम है। फिर जाते समय वो गुबई से वो फोटो भी लेते जाती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि उस फोटो को देख के रोंग रोंग को उस दिन के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। उस दिन गुबई उसे आइसक्रीम की ट्रीट देने वाला था पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो रोंग रोंग ने उन दोनों के लिए आइसक्रीम खरीदी थी, और तभी गुबई ने उसकी एक फोटो ली थी और उसके पीछे लिखा था कि वो इस आइसक्रीम के लिए पे बैक जरूर करेगा। फिर यहाँ पे रोंग रोंग काफी डीप थॉट्स में चली जाती है कि आखिर उसे उस फ्रीजर ट्रक में किसने बंद किया था, और अगर गुबई ने ऐसे किया था तो अब वो आगे क्या करेगी। वो इतनी उलझी हुई होती है कि उसे रियलाइज ही नहीं होता है कि उसे एक बाईसाइकिल टक्कर मारने वाली है। पर तभी एन मौके पे गुबई वहां पे पहुंच के उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे बचा लेता है, और फिर वो नोटिस करता है कि रोंग रोंग के हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हैं, तो वो अपने बैग से मफलर और ग्लव्स निकाल के रोंग रोंग को पहना देता है। तो रोंग रोंग ये देख के काफी शॉक्ड हो जाती है कि उसके बैग में ये सारा सामान रखा रहता है, और वो गुबई से पूछती है कि आखिर तुम इन्हें बैग में क्यों रखते हो। तो गुबई कहता है कि मुझे तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें ठंड से जो इतना डर लगता है। तो गुबई उसे ये सारी चीजें देने के बाद वहां से जाने लगता है। तभी रोंग रोंग को याद आता है कि उसने पहले कई बार गुबई से पूछा था कि वो अपने बैग में क्या लिए घूमता है, पर गुबई ने उसे ये बात बताने से इनकार कर दिया था, और अब उसे जाके पता चला है कि वो उसमें ग्लव्स और मफलर लेके घूमता था। बैक टू प्रेजेंट, गुबई का नाम रोंग रोंग जोर से चिल्लाती है और उसे रुकने के लिए कहती है। फिर वो उसके पास भाग के आती है और उसे कहती है कि चलो हम दोनों साथ में घर चलते हैं। फिर वो मन में कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो गुबई के साथ हैप्पीली मैरिड लाइफ जीना चाहती है, और उसे अब किसी की भी बात पे ध्यान देना जरूरी नहीं है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है।